नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसके अनुसार ये एग्ज़ाम जनवरी 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में होने वाले हैं, जिसके एप्लीकेशन आ गए हैं 19 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ये एप्लीकेशन भरने हैं। यहाँ पर ये एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है वो अब नेट दे सकते हैं, क्योंकि पहले वाले क्वालिफिकेशन के अनुसार जिस सब्जेक्ट में आपको नेट देनी उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो आइए इसके लिए हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पेज नंबर 16 पे आएगा, तो यहाँ पर हम पाएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2024, जिसके अनुसार जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री है, या तो क्वालिफाई होना चाहिए या फिर अपीयर होना चाहिए लास्ट सेमिस्टर या लास्ट ईयर को। इसके अलावा ग्रेजुएशन के बारे में यहाँ कहा गया है, एफ के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि कैंडिडेट जिन्होंने 4 साल का जो इंटीग्रेटेड बीए कर रहे हैं, बीएससी बीकॉम जो भी बैचलर डिग्री का 4 ईयर का या 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट भी अब नेट के लिए क्वालिफाइड है। अगर हम ज़्यादातर कॉलेजेस में देखें तो 3 ईयर्स की या 6 सेमेस्टर का ग्रेजुएशन होता है, तो ऐसे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। वे कैंडिडेट जो एनईपी के अनुसार नए जो ग्रेजुएशन के प्रोग्राम है 4 ईयर्स के, ऐसे कैंडिडेट अब एलिजिबल है नेट देने के लिए। ऐसे कैंडिडेट नेट भी दे सकते हैं और जीआरएफ भी दे सकते हैं, और ऐसे कैंडिडेट ये बात भी ध्यान में रखें पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई है,